सीन्स तो अभी काफ़ी शूट कर रहे हैं। एक तो रक्षम का राज जो अभी बहुत जल्दी निकलने वाला है, शायद बुआ दादी को बता दे। दूसरी बात, मानव का लेटर अब सोनम ने नित्यम के हाथों थमा दिया है, तो अब नित्यम के काफ़ी डिसीजन बदले डिवोर्स के पोस्टपोनमेंट और प्रीपोनमेंट को लेकर। तो अब सावी के दिल में वापस हलचल मची है। रक्षम चाहता है दोनों का सब कुछ ठीक हो, लेकिन वो भी इसमें फंसा हुआ है। तो अब ये सारा ड्रामा है फैमिली का कि अब क्या हो रहा है, क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, कैसे, तो ये सारी चीज़ें ठीक करनी है। और रक्षम चाहता है कि वो सब ठीक हो, तो अब वही सीन्स हम शूट कर रहे हैं। अब फिट एंड फाइन, मतलब मैं अब तक तो एक हफ्ते तक तो मैं बहुत वर्कआउट कर रहा था। मैं पैकअप के बाद भी जाता था जिम करने के लिए, पर्सनल ट्रेनिंग कर रहा था। थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ते हैं उसके लिए, लेकिन अभी कुछ दिनों से वो सब बंद हो चुका है क्योंकि काम का काफ़ी प्रभाव पड़ चुका है एंड थोड़ा टायरिंग भी लगता है। तो ये फेजेस होते हैं, लेकिन उसमें से आपको वक्त निकलना होता है। जब भी वक्त मिले कि वर्कआउट करे, सेट पे करे, घर पे करे, सुबह जल्दी उठ के करे, पैकअप के बाद करे, तो आई थिंक एक्सक्यूजेस मैटर नहीं करते। आपको अगर मेहनत और करनी है, काम अच्छा करना है, तो वो करना ही पड़ता है। तो आई थिंक आपका खाना भी, आप क्या खा रहे हो, क्या अवॉइड कर सकते हैं, ये भी बहुत मैटर करता है। सच कहूँ तो मैं लास्ट कोई ट्रिप मैं जा ही नहीं पाया हूँ, क्योंकि जनवरी से लेकर अभी फ़िलहाल इतना काम चल रहा है। और बिकॉज़ मैं दो शोज़ कर रहा हूँ, तो जो भी छुट्टी मिलती है मुझे दूसरे को डेट्स देने पड़ते हैं। तो ऐसे ही छुट्टी, मतलब 3 दिन के लिए भी मैं कहीं जा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मुझे उस चीज़ का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि ये मेरे लिए मेरा काम है। मैं समझता हूँ कि आज काम है, ये बहुत बड़ी बात होती है लोगों के लिए। दुनिया में इतना रिसेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है लोगों के लिए, जिनके पास है उनकी उस चीज़ की वो कदर करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं काम छोड़कर तो कभी जाता नहीं हूँ। हाँ, कल को जाके मैं उस स्थिति में रहूँगा, जोन में रहूँगा कि मैं जाना चाहता हूँ छुट्टी पे, तो बात करके डेट्स निकाल कर शायद कुछ मैनेज कर पाऊँ। लेकिन काम ख़राब करके छुट्टी मनाना तो मुझसे वैसे भी नहीं होता। तो हाँ, आई थिंक जब चल रहा है तब काम करते रहो, काम वैसे भी एक ना एक दिन ख़त्म होता है, तब छुट्टियाँ मनाओ।